नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे Zee5 के प्लेटफॉर्म में रिलीज हुई एक नई हिंदी वेब सीरीज मिथ्या की, जो 18 तारीख को रिलीज हो चुका है और इसका रन टाइम करीब करीब 3.5 घंटे का है। दोस्तों ये जो वेब सीरीज है, इसकी कहानी जो है सेट इन द दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, और जहाँ पे दिखाया जाता है कि इस हिल स्टेशन की एक छोटी सी स्कूल में, एक कॉलेज में रहकर प्रोफेसर है हमारे हुमा कुरैशी और उनके पति जो है परमब्रत चट्टोपाध्याय। तो इन दोनों की कहानी है और उनके साथ उनके जो रिश्तेदार है, यहाँ पे रजित कपूर जो है एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो हमारे हुमा कुरैशी के पिताजी का कैरेक्टर है, और साथ ही में उस कॉलेज में पढ़ने आई एक नई लड़की जिसका इस वेब सीरीज से ही डेब्यू हो रहा है, भाग्यश्री, जो हमारे फिल्म स्टार है सलमान खान के साथ, आप जानते हो मैंने प्यार किया में बहुत वो मशहूर रहे, उनकी सुपुत्री, उनका डेब्यूट हो रहा है इस फिल्म के साथ, इस सीरीज के साथ, अवंतिका दसानी। तो वो है एज ए न्यू कमर, और इंद्रनील का छोटा सा, इंद्रनील सेनगुप्ता छोटा सा एक कैरेक्टर है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो बेसिकली कहानी जो है इन्हीं किरदारों के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है, और फाइनली इसका जो कहानी है, जो मैं आखिर तक तो नहीं बोलूंगा, कि परमव्रत चट्टोपाध्याय का मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर कौन करता है वो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, आप गेस कर पाओगे किसने किया है मर्डर, लेकिन ये मर्डर क्यों होता है वो सस्पेंस जो है वो खुलासा आखिर में जाके होता है। तो बेसिकली वाई ही डिड इट, और वाई शी डिड इट, यही कंसेप्ट में ये बनाया गया है। तो बेसिकली क्राइम थ्रिलर है। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव की। देखिए पॉजिटिव अगर मैं कहूँ तो इसमें न्यू कमर के हिसाब से अवंतिका ने जो काम किया है वो काफ़ी बढ़िया है। एक स्पॉइल्ड ब्रैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है उनका, और बहुत सुंदर दिखती है वो। तो इसके अंदर में उन्होंने काफ़ी, आप बोल सकते हो, बोल्ड एंड बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने काम किया है एक न्यू कमर के लिए, जो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको न्यू कमर जैसा वो लग नहीं रही है। साथ ही में मैं कहूँ कि इसका जो, मुझे ओवरऑल अगर मैं कहूँ, इसका सिनेमाटोग्राफी, इसका बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। दार्जिलिंग के बैकड्रॉप में जो सीन्स वगैरह जो शूट की गई है, कभी कभी थोड़ा रेनी सा मौसम है, तो वो सब जगह जो है वो देखने में लाजवाब लग रहा है। साथ ही में मैं बात करूंगा यहाँ पे हुमा कुरैशी की परफॉर्मेंस की, जो मुझे महारानी में जो बहुत बढ़िया लगा था, तो मुझे उतना तक तो लगा नहीं, थोड़ा मुझे यहाँ पे जो है वो दबी हुई सी लगी इन कंपेरिजन्स टू अदर जो कंटेंट में वो काम करती है। साथ में परमब्रत चट्टोपाध्याय का भी रिसेंटली जो आरण्यक मैंने देखा था, उसके कंपेरिजन में मुझे उतना खास लगा नहीं। हाँ डेफिनेटली रजित कपूर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, और जैसे मेथड एक्टिंग वो करते हैं, एकदम लगता है कि ओरिजिनली एक कैरेक्टर किरदार अपने जो है ना वो ऐसे ही बात कर रहे, तो बहुत ही बढ़िया है उनका। अब इस वेब सीरीज का मैं अगर देखिए पॉजिटिव ढूंढने निकलूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ही नहीं। कहानी टू सम एक्सटेंड अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले उसी जगह पे बहुत ही ख़राब है, क्योंकि 3.5 घंटे का तो रन टाइम होना ही नहीं चाहिए था। बेसिकली ये अगर मैं एक फिल्म की तरह सोचता, ओरिजिनल फिल्म की तरह, तो शायद बोल सकते हो 2 घंटा 2 घंटा 15 मिनट में ये निपट जाता, तो बाकी के जो भी चीज़ें दिखाया गया है वो इससे कुछ मतलब आप बोल सकते हो कि वो ओरिजिनल इंसिडेंट जो है उससे कुछ ताल्लुक़ रखता नहीं है, तो इसको थोड़ा बहुत खींचा गया है। जो एपिसोडिक एंड है, जो क्लिप हैंगर, अगला एपिसोड देखने का जो चाह क्रिएट होता है, वो जगह भी बहुत वीक है, तो वो भी मुझे उतना दमदार लगा नहीं कि एक साथ मतलब आपको हुक करके रखे 3.5 घंटा तक, तो उतना मुझे लगा नहीं। और बाकी के अगर मैं कहूँ कि ये फैमिली ऑडियंस के लिए तो लिटरली बनाया नहीं गया है, तो आप इसको बच्चों के साथ और स्पेशली फैमिली के साथ तो ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लैंग्वेज है, कुछ फाउल लैंग्वेजेस है, कुछ सीन्स वगैरह है जो आपको परिवार के साथ बैठ के देखना सही नहीं होगा। दोस्तों यही था बेसिकली मेरा मिथ्या वेब सीरीज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।